राजस्थान के 12 कवाई समिति के सदस्य विष्णु चक्रधारी, भाया अमित जोशी व विनोद साहू ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के सदस्य सुरेंद्र मेघवाल, मनीष सुमन व राकेश सिंह ने बताया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक सोजीलाल मीणा, नायब तहसीलदार मोहन लाल पंकज, पुलिस थानाधिकारी मान सिंह मीणा, विशिष्ट अतिथि सरपंच चंपालाल चंदेल, ग्राम विकास अधिकारी राम प्रताप सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रजापति, प्रभारी डॉक्टर विजयराज भाटी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत मीणा, पशुधन सहायक लखन मीणा, रघुनाथ मेघवाल मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा ने सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर संदेश दिया कि कोहरे के धुंध के बीच सड़क पर वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। कोहरे में सफर सुरक्षित रहे, इसमें यातायात नियमों का पालन तथा वाहनों के जरूरी उपकरण का दुरुस्त होना बेहद जरूरी होता है। गौवंशों के रेडियम बेल्ट लगाने से अधिकांश होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगेगी। बलरामपुर जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्र अधिकारी उतरौला उदयराज सिंह के पर्यवेक्षण में व उप जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ओझा व प्रभारी निरीक्षक सादुल्ला नगर ब्रजानंद सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 4 जनवरी 2023 को जनपद बलरामपुर में भू माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट महोदय बलरामपुर के न्यायालय बलरामपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी ग्राम अहिरौली थाना सादुल्ला नगर जनपद बलरामपुर व उसके परिजनों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति स्थित ग्राम सादुल्ला नगर कमरपुर तथा ग्राम मनुवागढ़ और उतरौला व उतरौला की कुल 7 संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जब्त व कुर्क किया गया है। जनपद के टॉप 10 माफियाओं में से चिन्हित कुख्यात माफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी अहिरौली सादुल्ला नगर के आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं अपने परिजनों के लिए अर्जित की गई शेष संपत्तियों में से आज जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के मुकदमा अपराध संख्या 156/20 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत हुए आदेश के क्रम में कुल 7 संपत्तियां नियमानुसार जब्त की गई हैं, जिनमें ग्राम सादुल्ला नगर, ग्राम कमरपुर, ग्राम जुनेदपुर एवं ग्राम मनुआगढ़ में स्थित संक्रमणीय कृषि भूमि, ग्राम सादुल्ला नगर में संचालित आरा मशीन एवं ग्राम जुनेदपुर में संचालित पेट्रोल पंप शामिल हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 11.5 करोड़ है। राजस्थान के 12 जिले में गत बरसात में आई बाढ़ में छिपा बड़ौद के तहसील नयागांव नीमथुर में सड़क की बांध व पाल क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण वासियों को परेशानियां हो रही हैं। रास्ते में बने बड़े बड़े गड्ढों के चलते बारिश के समय रास्ते से वाहन नहीं निकल पाते। भाजपा नगर अध्यक्ष अमीन खान ने बताया कि जब बांध को ऊंचा करने का काम चल रहा था तब गांव वालों ने इसकी आपत्ति जताई थी। इस गांव में बारिश के टाइम पे बांध की पाल टूटने से गांव डूब में आ गया है और गाँव टापू बन गया था, जिसके कारण गाँव वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसी समय विधायक महोदय को तुरंत सूचना दी गई कि हमारा गाँव टापू बन चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो विधायक महोदय ने तुरंत प्रभाव रेस्क्यू टीम भिजवाकर गांव वालों को एक एक करके गांव से बाहर निकाला और उसी पाल से कब्रिस्तान की ओर जाने वाला रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया और कहीं लोगों के खेत पर पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इसी को लेकर गांव वालों में रोष व्याप्त है। अमलावदा के जो नीमतुर गाँव है, जहाँ पे अभी बाढ़ के समय पे यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ था, जिसके कारण ये जो गांव है पीछे की ओर ये एक टापू बन गया था। उस दौरान यहाँ पे सेना द्वारा रेस्क्यू किया गया था, सारा प्रशासन का लवाजमा यहाँ पे था, कई लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से पास की जो अमलावदाली की जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे पहुँचाया गया था। और उसी समय पे ये कम से कम 200 के तकरीबन फिट जो है इसकी लंबाई है और कम से कम 15 फिट इसकी ऊँचाई है। ये जो इसकी पाल है ये टूट के बह चुकी है, जिसके कारण नीचे के खेत जमीन जो भी है काफ़ी नीचे नुकसान हुआ है। कई बड़े बड़े जो इमारती जो पेड़ थे वो भी धराशायी होकर बह निकले हैं।
हमारे साथ जो भाई साहब हैं, आज हम इनसे भाई साहब से जानना चाहते हैं। तो ये भाई साहब ने बताया कि इसको लेके आज तक किसी भी अधिकारी का या कर्मचारी का, संबंधित विभाग के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। तो इसको लेके आपके यहाँ पे जो क्या क्या इससे आपके नुकसान है? एक तो पूरा खेत खत्म हो गया हमारा ये। अच्छा, ये कब्रिस्तान का रास्ता खत्म हो गया। अच्छा, और भी इसके अलावा कोई टूटे टूटते ही बढ़ते गाँव का खतरा हो जाता सब इससे। और भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे जो कब्रिस्तान है वो उसका रास्ता भी एकमात्र यही था जो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही इधर जो ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी की जो ज़मीनें हैं, ज़मीनें भी इधर रास्ते नहीं होने के कारण नहीं जा सकते हैं। और ये धीरे 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 कटते कटते ये गांव की ओर बढ़ रही है, जिसको लेकर आप पीछे दिखाइए एक बार, यहाँ पे ये तार वगैरह करके, और इधर आना रोक दिया है। जानवरों का भी आना रुक रहा है इससे, और आदमी का भी इधर। तो भाई साहब आपसे बताओ कि अगर जैसे प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, संबंधित विभाग के द्वारा, तो आप इसको लेकर के और भी तो आगे कोई विभाग है, कोई अधिकारी है, तो आप इसको बनवाना चाहते हैं या नहीं? बनवाना चाहते हैं ना हम, तो पक्के से दीवार होगी, कच्ची रुकेगी नहीं जी, इसको पक्के दीवार होकर रुकेगा। तो इसके लिए आप अधिकारियों से क्यों नहीं मिल रहे सर? कहता एक दो चौकीदार से कहता, जब उन्होंने कहा रास्ता नहीं है, अभी यूँ नहीं है रास्ता, तो खूब कराओ तो विधायक साहब से कह दी। विधायक साहब राजस्थान के बाड़ा छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोखमपुरा के जीएसएस ग्रेड पर बिजली की समस्याओं को लेकर कई गांव के ग्रामीणों ने धरना दिया। इस दौरान अमित मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए किसानों को सरकार द्वारा रात में 3 पेज बिजली दी जा रही है, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने बिजली की समस्याओं को लेकर दिन में बिजली देने की मांग को लेकर धरना दिया गया। जिस दौरान मौके पर पहुंचे संबंधित विभागीय अधिकारियों की समझाइश करने पर भी वे नहीं माने और रात्रि को भी रात भर धरने पर बैठे रहे। किसान मंगलवार सुबह जल्द ही सहायक अभियंता खेमराज नागर AEN ने मौके पर पहुंचकर किसानों से वार्तालाप कर किसानों को बुधवार से सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक और 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक दोपहर में 2 फीडर 3 पेज बिजली दिए जाने का आश्वासन दिया। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोही, आप देख रहे हैं मेरे साथ डीवी भारती न्यूज। आज हमें ग्राम पंचायत मोखमपुरा के जो जीएसएस है, यहाँ के जो लोग हैं, जो किसान हैं यहाँ के, उन किसानों की क्या समस्या है। और आज हमारे साथ कई किसान भाई है जो यहाँ कल से ही धरने पे बैठे हैं। रात को भी आप लोग यहीं पे? रात को भी क्या मांगे आपकी? क्यों हमारी मांग है कि रात को 11 बजे से और सुबह 4 बजे तक 3 पेज दिए जा रहे हैं, उसको दिन में दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। इनकी मांग दिन में बिजली चलाने की थी, जिसको हम संभवतः पूरी कर देंगे और अभी कोशिश कर रहे हैं इनको चलाने की, और ये चला दिए। और एक इनके लैंडलाइन की मांग है, वो लैंडलाइन की भी आने वाले 15 दिन में हम इनके यहाँ अलग से लगेंगे। सब इनके जैसे एक और है कि जैसे इसकी चार दीवारी या व्यवस्थाएं जो भी है, हाँ ये क्या बाउंड्री टूटी हुई है, इसके लिए सिविल वालों को पूर्व में भी मैं देख चुका हूँ और इसको भी जल्दी से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। एमपी के राघवगढ़ में देश की प्रथम महिला शिक्षिका की जयंती सत्यम शिवम सोशल ग्रुप फाउंडेशन कार्यालय साड़ा कॉलोनी में मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा सावित्री बाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोनू कुमार सैनी, असिस्टेंट लेक्चर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और जिला सचिव राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड टीम रहे एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती मालती जाधव रही। कार्यक्रम का संचालन करते हुए समिति के अध्यक्ष सतीश जैन ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए माता सावित्री बाई फुले के जीवन पर विचार रखे। वहीं मुख्य अतिथि सैनी के द्वारा महिला उत्थान में सावित्री बाई फुले की भूमिका, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा को बंद कर एवं प्रथम महिला स्कूल खोलने पर विचार रखे। कार्यक्रम का आभार राहुल सैनी ने माना। इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को पढ़ाई हेतु किट प्रदान की गई, प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी महिलाएं उपस्थित रही। एमपी के हरदा जिले के सहकारी समिति बैंक से हरदा जिले के किसानों ने अपनी खेती करने के लिए कर्ज लिया है, लेकिन आमदनी नहीं होने के कारण किसानों ने राशि जमा नहीं करने पर बैंक ने हरदा जिले के 300 से अधिक किसानों के नाम की सूची सार्वजनिक कर दी है। किसानों ने अपनी खेती में औद्योगिक एवं अन्य किसी ऋण लिया था, लेकिन समय अवधि में अब ऋण जमा नहीं करने पर किसानों के नाम की सूची अब बैंक के द्वारा सार्वजनिक कर दी गई है। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की भी चेतावनी एवं नोटिस जिले के 300 से अधिक किसानों ने बैंक से लोन लिया है।
लेकिन अभी तक उसकी राशि 75 करोड़ जमा नहीं की है। अब ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। देखिए हमारा टर्नओवर देखिए, हम लोगों का जो हरदा में टर्नओवर है वो हजारों करोड़ का है। अब हजारों करोड़ का प्रोडक्शन लेने के लिए हम लोगों को जो इनपुट कास्ट लगती है वो कोऑपरेटिव से ही लेनी है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए किसानों ने कर्ज लिया, समय आएगा उसको चुकाएंगे। सवाल यह उठता है, जब जब बीजेपी को मौका मिलता है ये किसानों का अपमान करने में बिल्कुल नहीं चूकती है। जब इसे मौका मिला तो इसने गोली मारी, जब इसे मौका मिलता है डंडा मारती है, और जब उसे मौका मिलता है तो अपमान करती है। कभी इन्होंने जो विदेश भागे इन लोगों के ऊपर कभी प्रश्न उठाया? जो यहाँ पर उद्योग के नाम से बड़ा बड़ा कर्जा ले चुके हैं क्या उन लोगों के ऊपर इनने सवाल उठाए? ये नहीं उठाते। ये लोगों की जो तकलीफ है वो गरीबों के साथ में। सुनील कुमार धनगर, मुख्य शाखा हरदा, प्रभारी शाखा प्रबंधक। आपने डिफॉल्टर और काला तीन सदस्यों की सूची टांगी है, हाँ। टोटल कितने सदस्य और कितने करोड़ रुपए का कर्ज? हाँ, इसमें 3,922 काला तीन सदस्य है जिसकी राशि है 49,12,13,000। ठीक, इसके आगे अकृषि ऋण की भी जो जानकारी है उसमें 152 सदस्य है और उनकी जो राशि है 14,17,87,000। और ये बकाया है काला तीर वाला। अभी अगर ये वसूली नहीं हो पाती उसके लिए आगे क्या कार्रवाई होगी? उसके लिए जो नोटिस जारी किए गए हैं, मतलब समिति द्वारा और शाखा द्वारा, इसके अलावा आरआरसी भी जारी की गई है। आरआरसी के अंतर्गत जो कार्रवाई हो रही है वो आगे किया जा रहा है, मतलब नोटिस शामिल करवा के और वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को जनसुनवाई केंद्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर कार्यवाही न होने की स्थिति में परिजनों ने कलेक्टर से कुछ अलग ही अंदाज में अपनी व्यथा पेश की। कार्यवाही न होने से नाराज परिजनों ने हरदा जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पीड़ित महिला को पोटली में ले जाकर पेश किया, जहां पर कलेक्टर सहित आलाधिकारी इस मामले को देख कर दंग रह गए। इस प्रकार का मामला जिले में प्रथम बार देखने को मिला है, जहाँ पर किसी महिला को पोटली में रखकर कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया हो। ये कहीं ना कहीं कार्यवाही को लेकर नाराजगी है। हालांकि कलेक्टर ऋषि गर्ग ने तुरंत CMHO को आदेश देकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। इस पूरे मामले में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी देने की बात कही जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला टिमरनी क्षेत्र के करताना चौकी अंतर्गत ग्राम कुही गवाही का है, जहां पर बीते दिनों जमीनी विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें महिला के पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। इस पूरे मामले में करताना चौकी ने FIR दर्ज तो की, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नाम है आपका? सर मेरा नाम कपिल बकोरिया, मैं कुहीवाड़ी रहता हूँ, और हमने थाने चौकी करताने में हमने शिकायत दर्ज हुई हमारी। सर ना तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई, मैं दो तीन बार चौकी थाने भी गया, बाकी वहाँ पे ये बोला कि भैया कार्रवाई होगी। जिसके बाद में सर मैं SP ऑफिस भी आया, वहाँ पे मैंने आवेदन दिया, जिसके बाद में वहाँ से पावती भी ली, वहाँ से फिर भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मेरी दादी की तबीयत ज़्यादा सीरियस, मैंने तीन बार इंदौर सर ले गया, इलाज मेरा इंदौर का ही चल रहा है, अपने कौन से हॉस्पिटल वहाँ पे MBI में सर क्या हुआ सर, हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ट्रैक्टर पैर पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, तो पैर तो पूरा रात डाली हुई है, अलग ही है वो। उसके पल्स देखी और उसको मैंने आइल बॉल रोटेट कर रही थी, कॉन्शियस थी, बात कर रही थी, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज रहे हैं, वहाँ एडमिट करा के उसके इलाज शुरू हो जाएगा। क्या मामला था इन लोगों का? सर मुझे तो बस देखा गया कि पूछा गया कि ये क्या है, इस पेशेंट को देखें, तो मुझे अनकॉन्शियस नहीं लग रही थी, कॉन्शियस थी, बात कर रही थी। जनसुनवाई में किस प्रकार से सर लेके आए थे इन लोगों के साथ? इसको एक कपड़े में लिटा के लाए थे, और जब लाए थे तो उस समय आंखें बंद थी, लेकिन जब मैंने देखा तो वो कॉन्शियस थी। उन्होंने एडमिट करने के लिए बोला। मांगरौल श्योपुर मध्य प्रदेश सड़क मार्ग के ललितपुरार गांव में नदी की पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था। अजय कुमार मशीन ऑपरेटर मशीन से खुदाई का कार्य कर रहे थे। उनकी नजर में 6 फुट लंबा कोबरा सांप अपना फन 2 फुट ऊपर के वहीं बैठने से निर्माण कार्य बंद हो। रामहेत गुर्जर निवासी कुआंजापुर ने मशीन ऑपरेटर को उनके मोबाइल नंबर देने पर उन्हें
उन्हें सर्प पकड़ने के लिए सूचना दी। बरूनी गांव निवासी जसवंत सिंह जाट ने वहां पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया, तब जाकर निर्माण कार्य शुरू हुआ। सांप देखने के लिए सड़क मार्ग पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से रोड जाम हो गया। पुलिस प्रशासन ने मशक्कत करके भीड़ को हटाया। बड़ौदा MP वन विभाग के वन रक्षक हीरालाल सेन भेरू लाल जाटव चौकी प्रभारी के निर्देश पर रेस्क्यू किया गया सांप कोबरा को वन क्षेत्र में छोड़ा गया। सहारनपुर स्थित दो आवासों पर हरोड़ा स्थित मीट फैक्ट्री के अलावा बरथा कोरसी स्थित स्टोन क्रेशर, लिंक रोड स्थित खनन से जुड़े कार्यालय व दिल्ली स्थित आवास और पंजाब स्थित मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की टीमों ने एक साथ रेड की। ईडी के कुछ अफसर भी जांच में शामिल बताए जा रहे हैं। टीमों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को दिल्ली से ही भेजा गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को कार्यवाही से दूर रखा गया है। प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 15-15 अफसरों की टीम सर्च कर रही है। इस मामले में अभी तक विभाग या सांसद की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है। सहारनपुर में दिनदहाड़े तीतरों के मेन बाजार में बदमाशों ने दुकान में घुसकर सर्राफ से 3 लाख रुपए के सोने की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के अनुसार 4 बजे के करीब 3 बदमाश सबसे पहले राजू शर्मा की दुकान पर आए। सर्राफ राजू शर्मा से सोने का गिफ्ट दिखाने को कहने लगे। राजू शर्मा ने बदमाशों से कहा उनके पास कोई गिफ्ट नहीं है। बदमाशों ने फिर सर्राफ से कानों की बालियां मांगने लगे। दुकान मालिक ने इनकार कर दिया। उसके बाद 3 बदमाशों में से एक बदमाश सर्राफ रमेश की दुकान में गया और सोने की अंगूठी दिखाने को कहा। जब सर्राफ ने बदमाश को अंगूठी दिखाई तो बदमाश ने अंगूठी की बंद थैली लूट कर फरार हो गया। अंगूठियों की थैली की कीमत 3 लाख के करीब बताई जा रही है। व्यापारी ने जब तक शोर मचाया तब तक वे बाइक पर बैठकर भरे बाजार से फरार होने में कामयाब हो गए। सर्राफा बाजार के कारोबारियों का आरोप है कि पुलिस संदिग्ध किस्म के लोगों की जाँच करने में लापरवाही बरत रही है, तभी ऐसी घटनाओं को बदमाश बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज के द्वारा बदमाशों की तलाश में जुट गए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।